मटर जो पहले से उबाल के इसको मैश कर लिए हैं, एक आलू है, ये धनिया पत्ता है और ये आटा है। अभी सबको मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे, जो अजवाइन डालेंगे थोड़ा सा मिक्स करके, देखिए अजवाइन डालेंगे थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके, और थोड़ा सा सूखा मसाला इसमें भी डालेंगे, सूखा सूखी मसाला डालेंगे इसमें भी। तो ये धनिया धनिया पाउडर थोड़ा सा डाल देंगे आटा में ये इसमें, और इसमें थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी पाउडर तो नहीं डालेंगे क्योंकि पीला पीला पूरी अच्छा नहीं लगेगा। फिर इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, गरीच नमक डाल देते, थोड़ा सा डालेंगे चटनी में भी डाल देंगे। अब इसको मिक्स कर देंगे, सब आपस में एक साथ मिक्स करके सान देंगे, मिला देंगे और उसके बाद पूरी बनाएंगे। तो पानी का जरूरत है तो दीजिए, नहीं जरूरत है तो नहीं दीजिए। जैसे सना जाता है आटा तो काहे पानी दीजिएगा, पानी देना कोई जरूरी नहीं है। तब इसको आटा सानेंगे और पूरी बेल के बताएंगे आपको, छानेंगे। बीच हड़बड़ में नाश्ता बना देगा, रोज हड़बड़ हड़बड़ में नाश्ता बनता है, सोए रह जाते हैं लेट तक, अभी ड्यूटी जाना है तो जल्दी जल्दी बना रहे हैं। तो इसको सान रहे गाइस, सान के अब छानिए। गाइस छानना शुरू कर रहे हैं, तेल गरम गरम ढक्कन में डाल दिए थे और ये पूरी देखिए ऐसा मिलाया है, बहुत हेल्दी होता है गाइस। बस इसमें इतनी खासियत है कि ये हेल्दी होता है, बहुत हेल्दी पूरी है। ये आलू ज्यादा है, आलू का पूरी है इसलिए थोड़ा आस्ता होगा, और धनिया पत्ता डाले हैं ज्यादा से ज्यादा, मतलब आटा कम ही डाले हैं, सबसे ज्यादा मात्रा आलू और मटर और धनिया पत्ता, क्योंकि जो हेल्थ के लिए अच्छा हो। आटा थोड़ा कम डाले हैं, धनिया पत्ता ज्यादा, ये खास्ता है पूरी नहीं, खास्ता इसको बोलिए, खास्ता है, धनिया पत्ता ज्यादा मात्रा में है क्योंकि धनिया पत्ता का यूज हम बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि अकेले नहीं यूज करते हैं। लहसुन प्याज तो धनिया पत्ता ज्यादा यूज करते हैं। बहुत हड़बड़ में है ये सब, बहुत आटा को वेस्ट करके छोड़ा जाता है, हम इतना हड़बड़ में है ना, रोज हड़बड़ में बनाते हैं नाश्ता, ड्यूटी जाना रहता है समय से, उठते हैं लेट से, 2 घंटा पहले उठे तब ना। आटा रेस्ट करने नहीं डाले इसके,
एकदम खास्ता खास्ता पूरी बनाएगा, एकदम मुलायम मुलायम खास्ता। जा रहे हैं देखे खाना। आलू का खास्ता पूरी नहीं बता सकते हैं, खास्ता है ये आलू का, आलू का खास्ता है गाइस। ये आलू का मठरी भी बोल सकते हैं इसको, आलू का धनिया पत्ता बहुत ज्यादा डाले, आलू ज्यादा डाले, आटा हल्का सा डाले इसलिए नहीं फूला गाइस। और ऐसे आटा ज्यादा डालिएगा और ये कम डालिएगा आलू तो फूलेगा। हम तो आलू का पूरी बना रहे हैं, सिर्फ आलू का, और उसमें थोड़ा सा आटा डालें, आलू मटर का पूरी और धनिया पत्ता की मात्रा बहुत ज़्यादा दी है। धनिया पत्ता बहुत फायदा करता है अभी सीजन में। खाने में बहुत खास्ता और टेस्टी लग रहा था, धीरे धीरे जाके हस्बैंड को भी खाना खिला रहे हैं, जाके दे रहे हैं, गरम गरम खाना खिला रहे हैं। कढ़ाई मंगा चुके हैं गाइस, कढ़ाई में हैंडल नहीं लगाए हैं इसीलिए इसको यूज कर रहा है, कढ़ाई तो मंगा ही चुके हैं।